सर श्री गुरु नानक देव जी का परम पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहब का लांघा जब आज से कुछ साल पहले खोला गया, तो सिर्फ हम पंजाबी ही नहीं सर, बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया बाबा नानक के रंग में रंग गई। हर नौजवान इस देश का, हर बच्चा, हर बुजुर्ग बाबा नानक के गुरु घर में जाकर, श्री करतारपुर साहब में जाकर दर्शन करना चाहता है, मत्था टेकना चाहता है, और कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए सर। बल्कि हम लोग तो एक बार नहीं, बार बार जाकर वहां जाकर मत्था टेकना चाहते हैं। लेकिन तीन समस्याएं आज हर श्रद्धालु के, हर संगत के, हर सदस्य को झेलनी पड़ती हैं जब वो गुरु घर जाता है, श्री करतारपुर साहब जाता है मत्था टेकने। पहली समस्या है सर पासपोर्ट की। आपको पासपोर्ट होना आपके पास अनिवार्य है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप वो लांघा पार करके श्री करतारपुर साहब नहीं जा सकते, आपको इजाजत नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करे, ये मुद्दा उठाए, जब लांघा खोला ही है, जब संगत के लिए एक फैसिलिटी तैयार करी है कि वो गुरु घर में जाकर मत्था टेक सकें, दर्शन कर सकें, तो इस पासपोर्ट की जो कंडीशन है इसे वेव किया जाए। आधार कार्ड जैसे किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को इसे वैलिड आईडी कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या यह है सर कि आज हर श्रद्धालु को $20 की फीस देनी पड़ती है। आज डॉलर वैसे ही आप जानते हैं कि 80 के पार हो चुका है। हमारी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते 80 के पार डॉलर हो गया है। अगर एक शख्स को $20 की फीस देकर दर्शन करने जाना पड़े तो 1600 रुपए से अधिक उसकी जेब से लगता है। अब मान लीजिए सर कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो हर साल जाना चाहते हैं, तो साल का एक परिवार का 8000 रुपए का खर्चा होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये $20 की जो फीस है इसे वेव किया जाए और संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए। और आखिरी समस्या है सर, जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, कंबरसम है, उसे सरल किया जाए ताकि संगत और गुरु घर के बीच में जितनी दूरियां हैं वो मिटाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर